हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पूरी थियरी को खत्म किया था, अब इस चैप्टर में मतलब यहां पर इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उसके इलस्ट्रेशंस की, है ना बेटा। तो यहां पर जो इलस्ट्रेशंस है वो एग्जांपल नंबर जो है, अगर हम लोग चलेंगे ये वाला मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 2.1। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 2.1 में है, यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2.1 में कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻¹⁷ कूलम्ब लोकेटेड 99 सेंटीमीटर अवे। तो सपोज ये वाला आपके पास पॉइंट पी है ना यहां पर, और ड्यू टू अ चार्ज, लेट अस से ये वाला आपके पास चार्ज, एंड दैट चार्ज इज 4 × 10⁻¹⁷ कूलम्ब। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपके पास कितना है बेटा, आपके पास आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 × 10⁻²⁰ मीटर। तो यहां पर पोटेंशियल एट पी कितना होगा, तो ये वाला होगा के क्यू अपॉन आर। सो वीपी इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ × 4 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻²। सो ये वाला आप कैलकुलेट कर लीजिए, जितना आए इतना वोल्ट आपका जो है आंसर आ जाएगा। Hence, obtain the work done in bringing a charge of 2 × 10⁻⁹ coulomb from infinity to the point P. Does your answer depend on the path? तो देखिए, यहाँ से इनफाइनाइट से हम लोग जो है कोई चार्ज को ला रहे हैं, लेट अस से ये चार्ज आपके पास Q है, तो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, सो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू पी। तो ये वाला आपके पास Q जो है ना, ये आपको वैल्यू रख देना है, कितना वैल्यू है बेटा, 2 × 10⁻⁹ कूलम्ब। सो 2 × 10⁻⁹ कूलम्ब, यहां से जो पोटेंशियल आ जाए वो रख देना है, इतना जूल जो है आपका ये वर्क डन होगा। तो क्या ये किसी पाथ पे डिपेंड करेगा, आंसर इज नो। ये वाला जो है वर्क डन है, वर्क डन विल नॉट डिपेंड ऑन एनी पाथ, है ना, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2.2 को देखिए, ये वाला वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बनाइए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2.2 को देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, टू चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम्ब एंड −2 × 10⁻⁸ कूलम्ब। वन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज अ नेगेटिव चार्ज। तो एक आपका पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा आपका जो है ये वाला आपके पास नेगेटिव चार्ज है ना, दे आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। Take the potential at infinity to be zero. तो देखिए, यहाँ पर जो चार्ज आपके पास Q1 है ना, ये Q1 जो है कितना चार्ज है, ये है 3 × 10⁻⁸ कूलम्ब। और यहाँ पर ये Q2 कितना चार्ज है, −2 × 10⁻⁸ कूलम्ब, है ना, ये वाला आपके पास इतना है। अब the distance between the two charge is given here as 15 centimeter. Now they are asking a point at which the potential is zero. So let us assume that this is point P at which the charge is to be zero. मतलब यहाँ पर जो potential है वो zero हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर x है, तो obviously This would be 15 minus x. ये सेंटीमीटर में आप इतना ध्यान रखिएगा। So electric potential at P is equal to potential due to charge number one plus potential due to charge number two. So electric potential we need at point P to be zero.
ये वाला हो जाएगा के क्यू अपॉन पी कैंस एक्स प्लस ये वाला आपके पास हो जाएगा के क्यू अपॉन पी कैंस 15 माइनस एक्स। अब जीरो ये वाला के को बाहर निकालिए, क्यू इज 3 इंटू कैंस टू माइनस 8 और एक्स जो है ना बेटा ये वाला आपके पास एक्स इंटू कैंस टू माइनस 2 मीटर प्लस यहां पर q2 को आप देखिए तो यू विल पुट q2 as माइनस 2 into 10 to माइनस 8 और ये वाला कितना आ जाएगा 15 माइनस x into 10 to माइनस 2 ये वाला आपके पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या रहेगा, तो अब हमारे पास 0 is equal to k into 10 to माइनस 8 upon 10 to माइनस 2। अब यहां पर आपके पास कितना जाएगा 3 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन 15 माइनस एक्स ये वाला आ जाएगा। अब ये वाला सारा इधर लेके जाओ तो 0 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 3 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन 15 माइनस एक्स। तो अब जो है टू अपॉन 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 2x is equal to 3 into 15 minus x ये वाला हो गया। तो ये वाला कितना हो गया 2x is equal to 45 minus we can say 3x है ना। तो ये 3x को इधर लेके आएंगे तो 5x is equal to आपके पास 45 so x is equal to आपके पास कितना आ जाएगा ये वाला आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये वाला आपके पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर so your answer will be we can say 9 centimeter from this point. Okay, so write it down, इतना लिखो, फिर उसके बाद हम लोग example number 2.3 पर जाएंगे। So हम लोग क्या करेंगे बेटा example number 2.3 पर जाएंगे, इसको वीडियो को पोज करके इसकी नोट बनाएंगे। आप देखिए यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज है ये वाला आपके पास ऐसा है, यहां पर पी पॉइंट है और यहां पर आपके पास पॉइंट क्यू है। यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे एंटर होगी। तो यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर आपके पास पॉइंट बी है ना। तो गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बीपी माइनस पी। तो यहां पर पोटेंशियल बीपी होगा, यहां पर पोटेंशियल बीपी होगा। अब देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला लेट अस से आर वन है और ये वाला आपके पास आर टू है। सो बीपी माइनस पी इक्वल टू ये वाला चार्ज अगर q है तो kq डिवाइडेड बाय r1 माइनस kq डिवाइडेड बाय वी कैन से r2। सो ये वाला vp माइनस pq ये क्या है, kq को अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो 1 / r1 माइनस 1 / r2। अब देखिए फ्रेंड्स r1 जो है ना इट इज हैविंग लेस वैल्यू देन r2 ठीक है ना। तो 1 / r1 जो है इसका वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा 1 / r2 से। तो हमारे पास क्या आएगा 1 upon r1 minus 1 upon r2 will be greater than 0, ये वाला greater than 0 हो जाएगा। तो vp minus vq क्या हो जाएगा greater than 0, बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद जो है vb minus v, अच्छा यहां पर देखिए vb minus v can say v, तो ये वाला आपके पास r2 है और ये वाला आपके पास r1 है। तो यहां पर आपके पास कितना लिखेगा k माइनस q अपॉन वी कैन से r2 माइनस ये वाला k माइनस q अपॉन वी कैन से r1 ये वाला आपके पास आ जाएगा r1। सो vb माइनस vq ये वाला देखिए माइनस चार्ज नेगेटिव है ना बेटा, आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो vb माइनस va
ये वाला आपके पास माइनस ए क्यू अपॉन आर टू, ये वाला माइनस इनटू माइनस, ये वाला प्लस हो जाएगा ए क्यू अपॉन मिकेल से आर। सो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा के क्यू अपॉन आर वन माइनस के क्यू अपॉन मिकेल से आर टू। तो ये वाला कितना आ जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू के क्यू, यहां पर वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन मिकेल से आर टू, ठीक है ना। तो आप देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो के क्यू आर वन जो है ये वाला वही वापस आके देखिए के क्यू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर क्यू जो बाहर निकला बेटा, सपोज यहां पर चार्ज क्यू, चलिए यहां पर क्यू है ना, तो यहां पर वही आया तो वी बी माइनस वी ए इज ग्रेटर देन जीरो। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, है ना। तो ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा वी बी इज ग्रेटर देन मिकेल से वी ए। तो क्या करो इसको भी, तो इसको भी आप जो है अपनी नोटबुक में लिखिए, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर सी को देखिए, वीडियो को पॉज करके नोट बनाइए। क्वेश्चन नंबर बी को देखिए, गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स क्यू एंड पी ए एंड बी। तो गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज। अच्छा यहां पर आपने क्या रख दिया, यहां पर आपने एक नेगेटिव चार्ज को रख दिया है ना, यहां पर आपने जो है ये वाला आपके पास एक नेगेटिव चार्ज को रख दिया और ये नेगेटिव चार्ज को रख दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर माइनस क्यू रख दिया, यहाँ पर भी माइनस क्यू रख दिया। अब क्या कहा है, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स क्यू एंड पी, है ना। तो यहाँ पर जो है क्यू और पी के बीच में, तो लेट अस फाइंड आउट यू क्यू माइनस वी कैन से यू पी। तो यू क्यू का क्या मतलब हुआ, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है ए क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन आर वन और ये वाला माइनस के क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन मिकेल से आर टू, ठीक है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा, लेट अस से यू क्यू अपॉन माइनस यू बी इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर और क्यू वन क्यू लेट इट बी के क्यू क्यू अपॉन मिकेल से आर वन माइनस की जगह पर प्लस के क्यू क्यू अपॉन वी कैन से आर टू। सो यू क्यू माइनस यू पी इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन। अब देखिए आर टू आपके पास बड़ा है और आर वन आपके पास छोटा है, तो हियर आर टू इज हैविंग ग्रेटर वैल्यू देन आर वन, ओके। So, ये वाला आपके पास हो जाएगा वन अपॉन आर टू इज लेस देन वन अपॉन आर वन। तो ये वाला आपके पास छोटा वाला नंबर है, ये वाला बड़ा वाला नंबर है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसे आ जाएगा बेटा, आपको नेगेटिव आ जाएगा। सो वी कैन से वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन विल बी लेस देन जीरो। तो ये वाला कितना आ जाएगा, तो ये वाला आपके पास यू क्यू माइनस यू पी विल बी लेस देन जीरो, ये वाला आपके पास लेस देन जीरो आ जाएगा। फिर दूसरा उन्होंने क्या पूछा है ए और बी के बारे में, तो ए और बी ये नेगेटिव चार्ज है ना। अब देखिए यहां पर आपने नेगेटिव रख दिया, यहां पर आपने नेगेटिव रख दिया, तो लेट अस फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कौन से दिए हुए हैं आपके पास ए और बी। तो ये वाला यू ए माइनस यू बी, तो ये वाला कितना हो गया ए माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन मिकेल से आर वन माइनस के माइनस क्यू और माइनस क्यू अपॉन मिकेल से आर टू। तो यू ए माइनस यू ए
इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर वन, और ये वाला आपके पास हो जाएगा माइनस, तीन बार बार माइनस है ना। अब तीन बार माइनस क्यों आ रहे, क्योंकि ये माइनस तो आपके पास जो है जैसे फॉर्मूला था, ये चार्ज भी नेगेटिव और दूसरा वाला भी चार्ज नेगेटिव, तो ये वाला के क्यू क्यू अपॉन मिकेन से आर टू, तो ये वाला कितना जाएगा के क्यू क्यू इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन मिकेन से आर टू। तो अब देखिएगा वन अपॉन आर वन जो है ना, ये आर वन इज हैविंग लेस वैल्यू देन आर टू, सो वन अपॉन आर वन इज ग्रेटर देन वन अपॉन आर टू, सो वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू इज हैविंग द पॉजिटिव वैल्यू, सो यू ए माइनस यू बी विल हैव द पॉजिटिव वैल्यू। क्या जाएगा बेटा उसका पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। ओके सो राइट इट डाउन, इतना लिखो, वीडियो को पॉज कर लीजिए बेटा, इतना लिखिए आप। ओके अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, वो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करेंगे। मुझे सारा वापस ड्रॉ कर देना पड़ेगा। तो ये वाला सी, गिव द साइंस ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल चार्ज नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। किसके द्वारा वर्क डन चाहिए हमको, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा। सो यहां पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है ये वाला आपके पास P है, ये वाला आपके पास Q है। गिव द साइंस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड इन मूविंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। तो Q से P में अगर हमको वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज लाएंगे है ना, तो यहां पर वी विल हैव टू डू वर्क डन। इफ द वर्क इज डन बाय अस है ना, तो दिस वर्क डन इज गोइंग टू बी नेगेटिव। हम लोगों ने आगे भी पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, अगर याद करो, इफ वर्क डन इज डन बाय अस देन नेट वर्क विल बी नेगेटिव, एंड इफ द वर्क डन इज डन बाय द सिस्टम देन इट इज पॉजिटिव। तो हम लोगों ने जो वर्क डन किया, ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव चार्जिंग, इसको यहाँ पर लाने के लिए हमको धक्का देना पड़ेगा, तो ये वाला वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है हम लोग दूसरी बात करेंगे ई है ना। Thus the kinetic energy of the small negative charge increase or decreasing in going B to A। तो ये वाला आपके पास नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज में यहाँ पर आपके पास A पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट आपके पास B है, ये वाला नेगेटिव चार्ज है। Thus the kinetic energy of the small negative charge increase or decrease in going B to A। So B to A के अंदर अगर ये वाला, अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज को ये डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज अगर ये डायरेक्शन में जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पर फोर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी क्या, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज है ना, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। फिर एग्जाम्पल नंबर जो है ये वाला आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2.4 को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2.4, फोर चार्जेस आर अरेंज्ड इन द एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइन डी। हमारे पास फोर चार्जेस, ये वाला पहला, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, और ये वाला फोर चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइन डी। ये वाली साइन डी है, ये वाले भी डी है, ये वाले भी डी है, ये वाले भी डी है ना। तो यहां पर फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। इफ चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट
at the center E to the center E. Okay, यहाँ पर ये center का नाम उन्होंने E दिया हुआ है. The four charges being held at a fixed point. How much extra work is needed to do this? तो चलिए हम लोग जो है ये वाला पहले वर्कडन ढूंढ लेते हैं. ये वाला आपके पास पॉइंट ए हो गया, यहाँ पर पॉइंट बी हो गया, यहाँ पर पॉइंट सी हो गया और यहाँ पर पॉइंट डी हो गया. यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है एंड यू हैव गॉट नेगेटिव चार्ज दिया. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है ये वाला हमारे पास एक स्पेस है. वॉट एक्चुअली वी आर डूइंग, वी आर ब्रिंगिंग चार्ज ए पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट है ना. तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अगर ए को लाते तो हमको वर्कडन कितना करना पड़ेगा, कुछ भी वर्कडन नहीं करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या था, कुछ भी नहीं था. तो स्टार्टिंग में अगर कुछ भी नहीं था तो यहाँ पर आपके पास वर्कडन आपके पास हो जाएगा डब्ल्यू वन इज इक्वल टू जीरो. और यहाँ पर जो है आपके पास नेगेटिव चार्ज अगर लाया जाए तो ये वाला आपके पास बी हो जाएगा. तो नेगेटिव चार्ज अगर आपके पास लाया जाए तो ये वाला नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है डी. तो कितना वर्कडन करना पड़ेगा, पहले क्या कर दिया आपने ये सिर्फ चार्ज को लेके आए तो कोई वर्कडन करना नहीं पड़ा. फिर अगर जो है यहाँ पर अगर आप चार्ज लाए ना तो आपको वर्कडन करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट में, ये वाला पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट में. सो डब्ल्यू टू इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू अपॉन वी कैन से ये वाला आपके पास आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू अपॉन डी. फिर अगर आप जो है यहाँ पर तीसरा टर्म है ना तो तीसरा लाते हो यहाँ पर चार्ज जो है अगर तीसरा लाते हो तो यहाँ पर जो है आपको वापस इसके अगेंस्ट में भी वर्कडन करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट में भी आपको वर्कडन करना पड़ेगा. अब अगर ये डी है, ये डी है तो ये वाला कितना हो जाएगा रूट टू बी, ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा रूट टू बी. ये वाला डब्ल्यू थ्री आपके पास कितना हो जाएगा ए क्यू माइनस अपॉन ए क्यू क्यू माइनस बी. और यहाँ पर आपके पास देखिए ये तीसरा वाला चार्ज अगर आप लाए ना तो ये वाला कितना हो जाएगा ए क्यू क्यू माइनस बी और ये वाला आपके पास हो जाएगा ए क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन रूट टू बी. ये वाला आपके पास इतना वर्कडन हो जाएगा. अब अगर आप फोर्थ चार्ज लाते लेट अस पुट इट फोर्थ चार्ज है ना तो ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा इसके अगेंस्ट में भी वर्कडन करना पड़ेगा, आपको इसके अगेंस्ट में भी वर्कडन करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट में भी वर्कडन करना पड़ेगा. मतलब ये वाला और ये वाला समझ में आ रहा है क्या कह रहा. पहले आप लाए तो कोई भी वर्कडन करना नहीं पड़ा, फिर ये लाए तो ये दोनों का बीच का पोटेंशियल एनर्जी रिटर्न करना पड़ा. ये वाला आपके पास इतना आ जाए यहाँ पर इतना आ जाए तो ये वाला आपके पास वर्कडन नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो हम लोग बाद में देखेंगे. सो डब्ल्यू थ्री हमारे पास कितना हो जाएगा, सो डब्ल्यू फोर विल बी इक्वल ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला आपके पास नेगेटिव चार्ज. तो ये वाला के क्यू माइनस क्यू अपॉन डी, ये वाला प्लस के क्यू माइनस क्यू अपॉन डी कैन से डी और ये वाला के माइनस क्यू अपॉन रूट टू बी. तो डब्ल्यू फोर कितना हो गया माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ये वाला भी कितना हो गया माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी और ये वाला नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू बी. समझ में आया. हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने चलिए एक काम करें यहाँ पर जो सारा के सारा जो है पोटेंशियल एनर्जी का लिखा, चलिए इसको ये वाली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये वाली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी. चलिए कोई बात नहीं, कोई बोलेगा वर्कडन तो पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होता है. सही बात है, वर्कडन जो है पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होता है ना. तो यहाँ पर क्या कर दिया, वापस मैं आपको समझा रहा हूँ. देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले कोई चार्ज नहीं था, आप प्लस पॉजिटिव चार्ज को लेके आए कितना वर्कडन करना पड़ा जीरो, आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को लेके आए कितना का वर्कडन करना पड़ा ये वाला डी है ना.
और यहाँ पर आप इसको लेके आए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपके पास भी, और यहाँ पर आपके पास जो है ये वाला आपके पास भी, ये वाला भी और ये वाला भी, है ना। तो यहाँ पर और यहाँ पर मतलब टोटल हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी की थी। सो नाउ लेट अस फाइंड आउट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये वाला आपके पास U is equal to U1 plus U2 plus U3 plus U can say U4. So U is equal to 0, U1 to 0. ये वाला minus KQ square upon D. ये वाला आपके पास हो जाएगा U3, कितना हो जाएगा minus KQ square minus KQ square. तो ये वाला आपके पास हो जाएगा minus KQ square upon D और minus KQ square upon root 2D. U4 कितना हो गया KQ square upon D minus KQ square upon D plus we can say KQ square upon root 2 आपके पास D, है ना। तो ये दोनों तो cancel हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो we are left only with minus 4 KQ square upon D। हमको कितना वर्कन करना पड़ेगा, ये वाला हमको वर्कन करना पड़ेगा KQ square upon we can say D। एक मिनट, हाँ ये वाला KQ square upon we can say D, okay, no problem. तो ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा, so work done will be equal to we can say opposite of this KQ square upon D. तो इसका अगर आप देखोगे ना, तो ये वाला आपके पास work done होगा, work done will be exactly opposite to that of the KQ square upon D. तो ये वाला U1 U2 U1, U2, U3 ये वाला KQ square upon D सही है, ये वाला minus KQ square upon D सही है, minus KQ square upon D सही है, ये वाला KQ square upon D ये वाला सही है, ये वाला minus KQ square upon D सही है, ओके। अब ये यहाँ ये कुछ गड़बड़ मेरे मुझे लग रहा है, I think something is wrong. कहीं पर कोई साइड में कुछ गड़बड़ होगी। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग दूसरी बार सुनेंगे। तो यहाँ पर जो है ये वाला बटन कितना होगा, exactly चारों चार जो है पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन करेंगे उसका आधा। फिर उसके बाद जो है अगर हम लोग जो है एक एडिशनल चार्ज लाते हैं, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, और अब हम लोग यहाँ पर एक चार्ज लाते हैं, है ना। यहाँ पर आपके पास Q0 जितना चार्ज लाते हैं यहाँ पर, तो ये वाली आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से ये होगी, यहाँ से ये होगी, यहाँ से ये होगी और यहाँ से ये होगी, मतलब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो, है ना। अब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी कितना होगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, यहाँ पर पॉइंट पी ये वाला भी जीरो होगा, यहाँ पर बर्डन कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो है क्यू नॉट इंटू वी पी जितना बर्डन करना पड़ेगा, सो क्यू नॉट इंटू वी पी इज जीरो, तो यहाँ पर कितना बर्डन करना पड़ेगा आपको, जीरो। तो अगर आपने कोई चार्ज लेके आए और वो चार्ज जो है आपने उसके सेंटर पर रख दिया, तो आपको नेट बर्डन कितना करना पड़ेगा बेटा, जीरो। सो जीरो इज द नेटवर्क डेट हैज़ टू बी डन, है ना। वो पोटेंशियल एनर्जी वाला देख लेना वापस, जो है मैं मेरे ख्याल से वहाँ पर कोई साइन का गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।